करंट लीगल नॉलेज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू आज हम सभी के सामने यहाँ पर आ रहा है, जहाँ पर गाइज एंड गर्ल्स जो हमारी वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट है उसको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से थोड़ा सा रिलीफ मिला है, चूँकि उन्होंने आवाज़ उठाई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो हमारी सेंट्रल एजेंसीज, जैसे कि आपने सुना होगा CBI के बारे में, तो इनका जो है गलत उपयोग यहाँ पर हो रहा है। एंड डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि जो जनरल कंसेंट है उसको यहाँ पर विड्रॉ कर लिया गया है, उसके बावजूद जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो CBI का उपयोग यहाँ पर कर रही है। हाउएवर यहाँ पर सेंटर का कहना है दैट CBI इज़ एन ऑटोनॉमस बॉडी एंड उस पर हमारा कोई भी यहाँ पर जो है से नहीं होता है। तो इसके इंटरप्रिटेशन पे सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अहम ऑर्डर यहाँ पर आया है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का यहाँ पर से है वो डेफिनेटली एक बहुत ही ज़्यादा वैलिड से नज़र आ रहा है। एंड इफ इन केस जनरल कंसेंट जब विड्रॉ कर ली गई है सो डेफिनेटली CBI जो है वो बिना गवर्नमेंट के यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के यहाँ पर परमिशन के बिना किसी भी केस को एडजुडिकेट नहीं कर सकता है इन दैट पर्टिकुलर टेरिटरी। तो इसके अराउंड पूरा का पूरा क्या इशू है इसको समझेंगे, किस प्रकार से हमारे एग्जामिनेशन में ये चीज़ आ सकती है इसके बारे में भी देखेंगे, ताकि आपको ये पता चले कि अगर पैराग्राफ आपके क्लैट एग्जामिनेशन में या फिर अगर आपके बाकी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में इससे जुड़ा हुआ कुछ कॉन्सेप्ट आता है, सो यू विल बी इन अ पोजिशन टू cater the needs of the paragraph and the questions which are there in a better manner. So hi, my name is Aditya Rai. I welcome you all to this amazing session जहाँ पर हम कर रहे हैं हमारे law entrance examinations की तैयारी and at the same time this will be helping you out in preparing for your CLAT examination. Guys and girls, जैसा कि आप यहाँ पर context जो है वो देख पा रहे होंगे, when we talk about the context तो Supreme Court of India ने जुलाई 10th को अपहेल्ड किया है maintainability of West Bengal government suit against the union government about being constitutional overreach being done by the Central Bureau of Investigation. तो यहाँ पर कहना है कि जो Central Bureau of Investigation है उसका उपयोग करने के लिए यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल ओवररीच किया जा रहा है। When we say constitutional overreach यानी संविधान में यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में जितना पावर दिया गया है उसके वे बियॉन्ड जाकर जो है वो सेंट्रल एजेंसी का यहाँ पर उपयोग किया जा रहा है। एंड when we are talking about the central agency we are basically talking about the Central Bureau of Investigation, जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि किस प्रकार से ये रजिस्टर कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं केसेस को, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि जो यहाँ पर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है उन्होंने अपनी जनरल कंसेंट को विड्रॉ कर लिया था ऑन नवंबर 16, 2018। नाउ आई नो दिस वुड बी अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड बट आई वुड ट्राई टू मेक इट ईजियर बाय लेटिंग यू नो कि CBI कैसे काम करती है एंड उसके बाद इस पूरे सिनेरियो में हुआ क्या है। एंड अब ये जो केस फाइल किया गया है बाय द स्टेट गवर्नमेंट अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये किस पर्टिकुलर प्रोविजन के तहत किया जाता है, सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ इट। सबसे पहले समझते हैं CBI के बारे में। सर एंड मैम, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन आपको ये पता होना चाहिए ये हमारे देश में एक सेंट्रल एजेंसी है जो कि इन्वेस्टिगेशन करती है। एंड ये जो एजेंसी है इसका गठन हुआ है DPSE यानी दिल्ली स्पेशल पुलिस एक्ट ऑफ आई एम सो सॉरी जस्ट गिव मी वन सेकेंड दिस इज नॉट DPSE दिस इज DSPE या सो DSPE ऑफ द ईयर 1946। ये एक कानून है जिसके तहत CBI को स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला है, यानी CBI जो है वो अपने पावर्स को ड्रॉ करता है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एक्ट विच इज DSPE। बट आपको पता होना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना जो है वो आपको पता होगा कि स्टेट्स के अंतर्गत आता है, पुलिसिंग स्पेसिफिकली जो है वो स्टेट के अंतर्गत आती है। तो जितना भी इन्वेस्टिगेशन का काम एक स्टेट में होता है वो पुलिस करती है और पुलिस जो है वो डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। हाउएवर CBI जो है ये एक सेंट्रल एजेंसी है जो कि कुछ पर्टिकुलर क्रिमिनल केसेस वगैरह वगैरह में उपयोग की जा सकती है। हाउएवर CBI को अगर किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में गठित हुए किसी एक ऑफेंस को यहाँ पर एडजुडिकेट करना है, इन्वेस्टिगेट करना है रादर, तो उस इन्वेस्टिगेशन के लिए CBI के पास होना चाहिए पावर। एंड ये पावर उसको कौन ग्रांट करेगा, ये पावर उसको ग्रांट किया जाएगा बाय द स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, पुलिसिंग जो है इट इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट, एंड अगर बाहर से कोई एजेंसी स्टेट में आ रही है तो उसको जो है स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन की आवश्यकता पड़ेगी। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट परमिशन, सीबीआई वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट। सीबीआई कैसे काम करता है? कॉन्सेंट के बेसिस पे। ये कॉन्सेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। ये जो कॉन्सेंट होती है सर एंड मैम, ये दो प्रकार से होती है, एक जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक कॉन्सेंट और दूसरा जिसको हम कहते हैं जनरल कॉन्सेंट। व्हेन वी टॉक अबाउट स्पेसिफिक कॉन्सेंट, सो स्पेसिफिक कॉन्सेंट इज बेसिकली गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर एनी स्पेसिफिक ऑफेंस। फॉर एग्जाम्पल, लेट सपोज मिस्टर राव का जो है मर्डर हो जाता है, तो उस स्थिति में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो मिस्टर राव के इस पर्टिकुलर ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट करने का पावर सीबीआई को दे सकती है, यानी उसके लिए अपनी कॉन्सेंट दे सकती है। जब उन्होंने उस पर्टिकुलर केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए अपनी पावर या अपनी कॉन्सेंट दी है, तो सीबीआई केवल और केवल उसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक केस को ही यहां पर इन्वेस्टिगेट कर सकता है। ठीक है, सो व्हेन वी से दैट स्पेसिफिक कॉन्सेंट इज गिवन, सो बाय दैट वी मीन कि जो कॉन्सेंट दी गई है वो किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑफेंस के लिए दी गई है। हाउएवर, अब बार बार हर एक पर्टिकुलर केस के लिए कॉन्सेंट देना हो सकता है उतना ज्यादा जो है सहूलियत से ना हो, इसीलिए क्या किया जाता है, एट टाइम्स जनरल कॉन्सेंट दे दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टेट बोलता है कि हम सीबीआई को अपनी जनरल कॉन्सेंट दे रहे हैं टिल द फर्दर नोटिस, जब तक हम उसको रिवोक नहीं कर लेते। तो अगर सीबीआई के पास अब जनरल कॉन्सेंट है, कहने का तात्पर्य दैट सीबीआई हैज द पावर टू इन्वेस्टिगेट एनी ऑफ द केस बाय गोइंग इनटू द स्टेट जो कि उस स्टेट में हो रहा है, विदाउट अ नीड टू गेट अ स्पेसिफिक कॉन्सेंट। व्हाई? बिकॉज दे हैव बीन गिवन अ जनरल कॉन्सेंट कि आप किसी भी केस को एडजुडिकेट कर सकते हो, हमारी तरफ से पूरी आपको जो है कॉन्सेंट दी जा रही है। सो जनरल कॉन्सेंट इज बेसिकली द कॉन्सेंट जहां आप पूरी तरह से कॉन्सेंट दे रहे हो फॉर ऑल द केसेस, एंड जनरल कॉन्सेंट के अंतर्गत सारे वो केसेस को एडजुडिकेट किया जा सकता है जब तक कॉन्सेंट को वापस ना ले लिया जाए, यानी कॉन्सेंट को विथड्रॉ ना कर लिया जाए बाय द स्टेट। हाउएवर, अगर स्टेट ने अपनी कॉन्सेंट को विथड्रॉ कर लिया, उसके बाद ये कॉन्सेंट, ये सीबीआई आगे आने वाले केसेस को एडजुडिकेट नहीं कर सकती है। समझ में आ गया? अब यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या है, यहाँ पर जो हमारी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है, यानी ममता दीदी की सरकार, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट यानी मोदी जी की सरकार के खिलाफ एक केस फाइल किया है, और केस को फाइल करते हुए ये कहा है कि जब हमने अपनी जनरल कॉन्सेंट को ऑलरेडी विड्रॉ कर रखा है, हमने 16 नवंबर 2018 को जनरल कॉन्सेंट को वापस ले लिया, यानी अब सीबीआई के पास ये पावर नहीं होगा कि वो केसेस को इन्वेस्टिगेट कर ले हमारे यहाँ आकर। परंतु डिस्पाइट ऑफ दैट, आज भी सीबीआई हमारे यहाँ आती है और केसेस को इन्वेस्टिगेट करने लग जाती है। समझ में? अब इससे ये बताया गया है कि किस प्रकार से यूनियन गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल ओवररीच कर रही है। नाउ द केस नंबर वन, और रादर द पॉइंट नंबर वन विच शुड बी नोन टू यू इज कि आखिर ये केस किस प्रोविजन के तहत फाइल किया गया है। तो आप यहां सामने देख सकते हैं, यहां पर जो आपको प्रोविजन दिया गया है दैट इज आर्टिकल नंबर 131। आर्टिकल नंबर 131 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे सुप्रीम कोर्ट को ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन देता है। व्हाट डू यू मीन बाय ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन? व्हेन वी से ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, कहने का मतलब कि एक पर्टिकुलर केस पहली बार कहां पर जाकर इंस्टीट्यूट किया जा सकता है, उसको हम कहते हैं कि ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। तो जब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की, तो आर्टिकल नंबर 131 जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के बारे में बताता है, जहां पर ये बताया जाता है कि इफ इन केस हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है उनका कुछ एक डिस्प्यूट हो जाता है विथ वन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स, तो इन दोनों के बीच के डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए आप 131 के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और कहीं नहीं जाएंगे। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट या रादर यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच का डिस्प्यूट, या यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एक तरफ और बाकी स्टेट की गवर्नमेंट्स दूसरी तरफ, या बहुत सारे स्टेट की गवर्नमेंट एक तरफ दूसरे स्टेट की गवर्नमेंट एक तरफ। कहने का तात्पर्य, जितने भी हमारे फेडरल यूनिट्स हैं इनके बीच में आपस में अगर किसी प्रकार का डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए केस कहाँ जाएगा? केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट ही जाएगा। ये जो केस है वो एडजुडिकेट किया जा सकता है ओनली एंड ओनली by the Supreme Court of the country, and it is basically known as the original jurisdiction of the Supreme Court. Clear? I hope now everybody is clear. So basically हुआ क्या है, वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट अंडर आर्टिकल 131 जाती है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में किसके खिलाफ? यूनियन गवर्नमेंट के खिलाफ। और ये कहा जाता है कि यहाँ पर जनरल कॉन्सेंट जो है वो ऑलरेडी विदड्रॉ करी जा चुकी है, उसके बावजूद यूनियन गवर्नमेंट आज भी CBI को हमारे यहाँ भेज रही है। वेरी गुड। बट यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा क्या बोला गया। यूनियन गवर्नमेंट का यहाँ पर ये कहना है कि पहली चीज तो सर एंड मैम, CBI जो है वो एक ऑटोनॉमस एजेंसी है। व्हेन वी से दैट इट इज एन ऑटोनॉमस एजेंसी, बाय दैट वी मीन कि वो हमारे कंट्रोल में काम नहीं करती है। रादर शायद यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने हमें गलत पार्टी बना लिया है, क्योंकि उनका डिस्प्यूट तो CBI के साथ होना चाहिए, क्योंकि CBI जो है वो जनरल कॉन्सेंट को विड्रॉ करने के बावजूद यहाँ पर अगर आकर काम कर रही है तो आपका डिस्प्यूट तो CBI से, तो हमको शायद गलत पार्टी यहाँ पर बनाया गया है, ऐसा यूनियन गवर्नमेंट का कहना है। कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया? कोर्ट ने कहा द प्रोविजन ऑफ DSPE, दैट इज दिल्ली स्पेशल पुलिस एनैक्टमेंट एक्ट, क्लियरली इंडिकेट कि सेंट्रल गवर्नमेंट CBI के सारी चीजों में कंसर्न्ड है। फॉर एग्जाम्पल, उसमें कौन कौन होगा, कैसे इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, पावर्स कितने होंगे, ये सब कुछ डिसाइड करने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। अब चूंकि ये सभी चीज यहाँ पर करने डिसाइड करने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, देन वी कैन से दैट सेंट्रल गवर्नमेंट इज इन कंट्रोल ओवर द CBI। सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल जो है वो आपकी CBI के ऊपर है। अब चूंकि आपका कंट्रोल CBI के ऊपर है तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर सही पार्टी के रूप में बनाया गया है। एट द सेम टाइम सेक्शन नंबर 6 जो है आपके एक्ट का, वो साफ साफ ये कहता है कि प्रायर कॉन्सेंट स्टेट गवर्नमेंट की होना अनिवार्य है किसी भी प्रकार से CBI प्रोब अगर आप करना चाहते हैं तो। बट यहाँ पर तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट बोल रही है कि हमने तो अपनी कॉन्सेंट को वापस दे दिया था, जब हमने अपनी कॉन्सेंट को वापस ले लिया तो CBI का यहाँ पर किसी भी तरह से इन्वेस्टिगेशन करना बनता ही नहीं है। समझ में आया? नेक्स्ट, द कोर्ट ऑल्सो एक्नॉलेज कि CBI जो है वो एंटाइटल है इन्वेस्टिगेट करने के लिए ऑफेंसेस को इंडिपेंडेंटली। वो इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टिगेट करेगी, जैसा कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि भैया दैट इज एन ऑटोनॉमस बॉडी, तो उस वजह से हमारा उस पर कोई भी से नहीं होता है, CBI इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टिगेट करती है। तो कोर्ट सेड यस वी अग्री टू इट कि हाँ यहाँ पर जो है जो CBI है वो इन्वेस्टिगेशन इंडिपेंडेंटली कर रही है। हाउएवर, जो CBI का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है या जो सुपरिटेंडेंस है वो आप भूलिए नहीं, पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। एंड चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है तो ये इसकी ऑटोनॉमी को पूरी तरह से जो है फ्री नहीं छोड़ता है, बट रादर उसको डिमिनिश कर रहा है। समझ में आया? ठीक है जी। तो ये रहा है पूरा का पूरा वर्डिक्ट। अब लेट अस सी कि जब नेक्स्ट हियरिंग होती है तो इस केस में क्या बोला जाता है। अभी तक जो है वेस्ट बंगाल के फेवर में जो है ऑर्डर दिया गया है, जहां ये बोला गया है कि आपको सही पार्टी बनाया गया है यूनियन गवर्नमेंट, बिकॉज द CBI इज डायरेक्टली अंडर your control. ठीक है, इसी के साथ guys and girls I would like to tell you all a very important news, and that is An Academy आप सभी के लिए इस वक्त लेकर आया है 25% का डिस्काउंट, जो कि एक्टिव रहेगा till 27th of July. So if in case you are preparing for CLAT examination or any other law entrance examination that are OLETs, इन सभी के लिए आपको यहाँ पर 25% डिस्काउंट मिल रहा है सभी के सभी सब्सक्रिप्शंस पर। However, आप ये एक्सेस कर सकते हो by using the code BARLIVE. So this is the code that you will be requiring to access the code, access the offer. अभी जाइए, इस ऑफर को अवेल करिए, क्योंकि इसके तहत आपको 25% का डिस्काउंट मिल रहा है। सो लेट्स सपोज इफ इन केस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट 2025 देन आपको जो है अभी 22,000 रुपीज़ में ये पूरा का पूरा बैच जिसमें आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज, साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज अलॉन्ग विद दी लाइव क्लासेस यहाँ पर देखने को मिलेगी। इफ इन केस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट ईयर आई वुड से दैट आपको जो है 18 मंथ्स का कोर्स लेना चाहिए, और अगर आप उसके बियॉन्ड की तैयारी करना चाहते हैं, अभी आप 10th क्लास में हैं, तो डेफिनेटली आप 24 मंथ्स का भी पैक यहाँ पर देख सकते हैं। इन सभी के लिए द कोड दैट इज रिक्वायर्ड इज बार लाइफ, दैट इज BARLIVE लाइव। आपको ये पता होगा कि अनअकैडमी जो है सब्सक्रिप्शन मॉडल पे काम करता है। बाय दैट वी मीन कि अनअकैडमी जो है इंश्योर करता है कि अगर आपने एक बार सब्सक्रिप्शन ले लिया तो जितने भी बैचेस अनअकैडमी के चलते हैं आप उन सभी में एक्सेस कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट वंस आफ्टर पेइंग दी अमाउंट। कहने का मतलब कि जैसे नेटफ्लिक्स में होता है, एक बार हमने पैसा दिया उसके बाद हम कोई भी वेब सीरीज, कोई भी मूवी देख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर होता है कि अगर आपने एक बार सब्सक्रिप्शन अमाउंट दिया उसके बाद जितने भी बैचेस अनअकैडमी के चल रहे हैं आप सभी को एक्सेस कर सकते हैं। जिस भी क्लास में बैठना है, जिस भी फैकल्टी के साथ आपको पढ़ाई करनी है, आप उनके साथ कर सकते हैं, क्योंकि अनअकैडमी आपको पता है हर एक सब्जेक्ट के लिए 2 से 3 फैकल्टीज होते हैं। तो वो सभी चीज़ें यहाँ पर जो है अनअकैडमी के द्वारा मॉनिटर की जाती हैं कि आपको बेनिफिट क्लियर रहे, ऐसा ना हो कि आपने एक बैच पर रजिस्टर किया तो आप जो है बंद जाएं। एंड इफ इन केस आप किसी फैकल्टी की पढ़ाने से उतना खुश नहीं है या कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप फिर भी मैंडेटरीली वहां पर बंधे रह जाएं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं लॉ मास्टर्स बैच जो है क्लैट एंड एलिट के लिए शुरू हो रहा है 2025 के लिए, जिसमें आपको हनी शर्मा सर, मैं आपको लीगल पढ़ाऊंगा, हनी शर्मा सर लॉजिकल पढ़ाएंगे, विजेंद्र सर आपको करंट अफेयर्स पढ़ा रहे होंगे, आकाश रिछारिया सर इंग्लिश एंड पूजा मैम आपको क्वांट पढ़ाएंगे। इसके लिए आपको करना क्या है, एक कोड का यूज़ करना पड़ेगा दैट इज़ बार लाइव। जैसे ही आप बार लाइव कोड का यूज़ करेंगे यू विल गेट टू सी द मैक्सिमम डिस्काउंट। इसके अलावा गाइज एंड गर्ल्स इफ इन केस यू आर प्रिपेयरिंग बाय योर ओन सेल्फ एंड यू जस्ट नीड टेस्ट सीरीज, तो टेस्ट सीरीज का पैक जो है वो आपके लिए लाया गया है जिसमें आपके क्लैट एंड ओलेट सभी एग्जामिनेशंस कवर होंगे। फॉर एग्जांपल क्लैट, एलेट, MH सेट, CUET, और ये सभी आप एक्सेस कर सकते हो फॉर 4,999 जो कि अभी 50% डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। ये आपके कैलेंडर वाइज टेस्ट होंगे, यानी आपको जो है एक गिवन डेट पर टेस्ट देना पड़ेगा जिसको आप एक्सेस अगर करना चाहते हो। सो अगेन देयर इज अ कोड दैट यू नीड टू यूज एंड इट इज बार लाइव। इसी के साथ साथ गाइज एंड गर्ल्स लीगल लैडर बैच इज ऑलरेडी लाइव एंड संकल्प 2.0 बैच जो है ये क्लैट एंड एलेट 2026 के लिए जो है वो लाइव हो चुका है। आप सभी जाकर अभी ज्वाइन हो सकते हैं बाय यूजिंग द कोड बार लाइव। विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। कीप स्टडिंग, कीप ग्रिलिंग। जय हिंद, जय भारत।